आज हमने दयानंद महाविद्यालय डीएवी कॉलेज अजमेर के अंदर हमारी जो एक मांग थी, ये मांग नहीं थी बल्कि ये सच्चाई थी कि डीएवी कॉलेज के अंदर बीए फर्स्ट ईयर के अंदर एमडीएस यूनिवर्सिटी ने 480 सीटें अलॉटमेंट कर रखी है। कॉलेज प्रशासन ने 507 बच्चों का एडमिशन दे दिया, यानी कि 27 बच्चों का एक्स्ट्रा एडमिशन दे दिया। वही एक्स्ट्रा बच्चे हैं जो यहाँ कॉलेज प्रशासन जिसको चाहता है उसको वोट दिलवाएगा। दूसरी ये बात, हर वर्ष जो फिजिकल डिपार्टमेंट या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट या एमएससी डिपार्टमेंट जो सेमेस्टर सिस्टम चलता है उनका रिजल्ट आता है या नहीं आता उससे कोई मतलब नहीं आता है। उसके बाद में जो वो एडमिशन लेते हैं या नहीं लेते हैं उसके बाद में भी वो वोट देने का अधिकार रहता है। अब की बार यहाँ कॉलेज प्रशासन ने, चुनाव आयोग ने उनका मताधिकार छीन लिया गया। एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबको स्वतंत्रता का अधिकार है, मत देने का अधिकार है, और इधर कॉलेज प्रशासन और ये चुनाव आयोग हमारे को सीधा सीधा साफ जाहिर होता है कि जो मेरे साथ में लगे हुए हैं, जो मेरी टीम है उसको हराने में उनकी पूरी भूमिका लगी हुई है। यानी कॉलेज प्रशासन मेरे लिए कुछ भी कहीं पे भी कुछ 420 करने के लिए तत्पर तैयार है, सीधा सीधा ये जाहिर होता है। कौन से प्रत्याशी को जिताने पे लगे हुए हैं कॉलेज? ये ऐसे में 2-3 कैंडिडेट है, उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, ठीक है। पर्टिकुलर कॉलेज प्रशासन ये चाहता है कि जो हमारी टीम है उसको कैसे करके सीधा साहिर ऐसे जाहिर होता है कि उनको हरा दे। यानी कि मैं तो ये कहता हूँ, हराना नहीं चाहते तो आपने 480 के बाद में 27 बच्चों का एक्स्ट्रा एडमिशन किस बिहेव पे दिया है? यदि आपने कैजुअल भी दिया है उनको तो क्या उनसे आप वोट दे सकते हैं? नामांकन सूची उनका नाम क्यों दिया आपने? उसके बाद में जो फिजिकल डिपार्टमेंट के अंदर हर वर्ष बच्चा वोट देने के लिए आता है, तो इस बार ऐसा क्या हो गया फिजिकल डिपार्टमेंट वालों के सारों के नाम काट दिए गए हैं? प्राचार्य से मिल लिया आप? प्राचार्य मोदी, हम मेरी पूरी टीम जो मेरे साथ प्रत्याशी हैं वो ज्ञापन देने के लिए आए हैं। प्राचार्य मोदी जी यहाँ पर मौके पर मिले नहीं, और हम ये चुनाव आयोग को ज्ञापन दे रहे हैं। ये चुनाव आयोग को ज्ञापन देने के बाद हम सीधा ये हमारा जो लेटर है हम चुनाव आयोग अजमेर के पास जाएंगे, राजस्थान सरकार के पास अभी हाथों हाथ मेल करेंगे, हाथों हाथ इसके ऊपर जाँच करवाएंगे। कार्रवाई नहीं होती है फिर क्या करेंगे चुनाव आने? हम कार्रवाई नहीं होती है तो उग्र रूप से आंदोलन करेंगे, चाहे बोले हमारे कॉलेज के अंदर चुनाव नहीं हो, ठीक है ना। यदि चुनाव नहीं होते हमें मंजूर है, मगर तब तक उन बच्चों के साथ अहित नहीं करने देंगे क्योंकि उनका स्वतंत्रता का अधिकार छीन लिया गया है कॉलेज प्रशासन ने। नाम बताया? सीताराम, अध्यक्ष पद प्रत्याशी दयानंद महाविद्यालय। आज हमने जो हमारे बीए फैकल्टी में एमडीएस यूनिवर्सिटी से 480 सीटें हमें अलॉट हो रखी है, उसके बावजूद इन्होंने 509 एडमिशन कर दिए हैं, जबकि जो एमडीएस यूनिवर्सिटी ने 480 सीटों का हमें दिया है, उसके बाद इन्होंने जो 29 या 30 एडमिशन एक्स्ट्रा करें वो एडमिशन पोलिंग करने के लिए उनको अधिकार दे दिया है, जबकि बाकी अदर फैकल्टियाँ हैं जैसे बीपीएड और सेमेस्टर वाइज जो चलती है उनका रिजल्ट नहीं आया, उन्होंने इस बार उनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं दिया। तो हम ये चाहते हैं कि एग्रीकल्चर का दे दिया, बीपीएड का दिया नहीं, अधिकार सबके लिए समान हो। यदि आप एक बीए फैकल्टी को देख रहे हो तो वो भी एक कॉलेज का पार्ट है, वो भी एक कॉलेज का हिस्सा है, जब ये वोट दे सकते हैं तो वो भी दे सकते हैं। इन्होंने उनसे मताधिकार छीन लिया। ये लगभग जो सब हम मिलकर सीताराम आज लगभग 9 वर्षों से मैं देख रहा हूँ महाविद्यालय गेट पर, जब मैं फर्स्ट ईयर में आया तब से आज दिन तक छात्र हितों के लिए हमेशा तत्पर रहा है, खड़ा रहा है। आज ये चुनाव लड़ने जा रहा है तो इसके विपक्ष के लिए सब लोगों ने मिलकर ये राजनीति करी है ताकि इसको चुनाव हरा सके। लेकिन मैं उनको कहना चाहूँगा खुले शब्दों में कि व्यक्ति चुनाव किसी की राजनीति से नहीं बल्कि मेहनत से जीतेगा। किसके ऊपर आरोप लगा रहे हो आप लोग? आरोप किसी, सर पर्टिकुलर नाम नहीं ले सकते। नहीं मांगे पूरी होगी तो सर हम आंदोलन करेंगे, जहाँ तक हमें जाना चाहिए आगे से आगे, जो हम छात्र हित छात्र संगठन से जो पाएगा सब छात्र से मिलकर उसका योग करेंगे। दाखिल होने हैं और इस तरीके की आप आज आरोप लगा रहे हो, अगर नहीं होता है फिर क्या कल नामांकन दायर करेंगे? सर बिल्कुल नामांकन दिन में हम विरोध करेंगे, हो सका तो हमें यदि ये चुनाव डीएवी कॉलेज का स्थगित करना पड़ा तो हम इसको पूरी प्रक्रिया जाहिर करेंगे। सर नाम बता दीजिए। अभिषेक सिंह, हमारा छात्र संघ उपाध्यक्ष।